हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश यादव, मैं आप सबका स्वागत करता हूं एमसीआईटी अजमेर यूट्यूब चैनल के अंदर। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें। अभी हमने आपके कंप्यूटर इस चैनल के अंदर आपके कीबोर्ड और माउस के बारे में पढ़ा है। अब हम आगे और कई आपके इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका आज की तारीख में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम ट्रैक बॉल के बारे में। ठीक है, जो ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल भी एक प्रकार का मैकेनिकल माउस की तरह ही होता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि मैकेनिकल माउस में जो गेंद होती है वो नीचे की तरफ होती है और उसको भी हम जिस माउस को जिस दिशा में घुमाते हैं उसी दिशा में बॉल घूमती है और आपका कर्सर भी घूमता है। और इसी प्रकार से आपका जो ट्रैक बॉल होता है, इस ट्रैक बॉल में भी गेंद जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है। फर्क इतना सा होता है, इसमें हम अपनी उंगली से इस गेंद को घुमाते हैं और ये जो गेंद जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में आपका जो कंप्यूटर का जो कर्सर होता है वो भी घूमता है। मतलब ये हुआ कि इस ट्रैक बॉल के अंदर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इस बॉल का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से आपके मैकेनिकल माउस के अंदर भी मुख्य आपका रोल जो उस बॉल का ही था, तो इसी प्रकार से आपकी जो ट्रैक बॉल है, इस ट्रैक बॉल के अंदर भी आपके कर्सर को आगे पीछे घुमाने के लिए इस बॉल का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस बॉल के ही चारों तरफ इसमें सेंसर लगे होते हैं और बॉल के घुमाने से वो सेंसर भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं और आपका कर्सर भी उसी दिशा में घूमता है। तो ये तो था बेटा आपका ट्रैक बॉल। अब ट्रैक बॉल के बाद अब हम पढ़ेंगे लाइट पेन के बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि लाइट पेन एक प्रकार का एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि आपका जो लाइट पेन है, लाइट पेन आपके एक पेन की तरह दिखाई देता है जो कि आपके सीपीयू से जुड़ा हुआ होता है। पहले ये सीपीयू से वायर के थ्रू, वायर के माध्यम से जुड़ा हुआ होता था, लेकिन आजकल आपको मालूम है कि सारे वायरलेस इक्विपमेंट्स का हम प्रयोग करते हैं, तो आपके कई ऐसे लाइट पेन आ गए हैं जो कि वायरलेस हैं। तो उस जो वायरलेस आपका लाइट पेन होता है, उस लाइट पेन के द्वारा हम अपनी जो स्क्रीन होती है उस स्क्रीन पे कोई भी फ्री हैंड स्केचिंग या कोई भी चित्र या कोई भी साइन कोई भी बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। आपका जो लाइट पेन होता है, लाइट पेन एक प्रकार का पेन की तरह ही दिखाई देता है। उसमें आगे की तरफ एक फोटो सेल नाम का एक लेंस लगा होता है और उससे हम आपके जो मॉनिटर होता है उस मॉनिटर पर जिस दिशा में हम उसको स्केच करते हैं या उसको ड्रॉ करते हैं, जहाँ जहाँ पर हम उसको फेरते हैं, वहाँ वहाँ पर आपके कंप्यूटर के अंदर एक पल्स उत्पन्न होती है। क्या होती है? एक पल्स उत्पन्न होती है और उस पल्स के माध्यम से ही आपके प्रोसेसर को मालूम पड़ता है कि हमने आपके इस लाइट पेन को आपकी स्क्रीन पर किस किस जगह पर आपने इसको घुमाया है। तो जहाँ जहाँ पर हम उसको घुमाते हैं उसी प्रकार से आपकी स्क्रीन के अंदर या आपके कंप्यूटर के अंदर एक चित्र बन जाता है और कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। ये जो आपका जो लाइट पेन होता है, इस लाइट पेन को हम CAD एप्लीकेशन, जिसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसके अंदर हम सबसे ज़्यादा इसको यूज़ में लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम मतलब एक उच्च श्रेणी की ड्राइंग्स बनाते हैं और ड्राइंग्स बनाने के लिए ऐसा माना जाता है कि हमारे हाथ में अगर पेन होता है या पेंसिल होती है तो उससे हम अच्छी तरीके से चित्र बना सकते हैं। तो इसीलिए जो लाइट पेन होता है, लाइट पेन का प्रयोग हम अधिकतर फ्री हैंड स्केचिंग के लिए यूज़ में लेते हैं। फिर दूसरा आपका इनपुट डिवाइस आता है टच पैड। टच पैड आपको पता होगा कि पहले आपके जो कंप्यूटर होते थे, डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे, उस डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर हम पहले माउस का प्रयोग करते थे, लेकिन आजकल हम लैपटॉप के अंदर
माउस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उस माउस की जगह अब हम किसका प्रयोग करते हैं, टच पैड का। ये जो टच पैड जो होता है, ये टच पैड के अंदर ये एक स्पेस दी जाती है और इसके अंदर भी आपके दो बटन होते हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन, जिस प्रकार से आपके माउस में होता है वही सेम इसमें काम होता है। और इसके अंदर हम फिंगर्स के द्वारा, अपनी उंगली के द्वारा, हम इस पैड पे हम उंगली को जिस दिशा में घुमाते हैं आपका कर्सर भी उसी दिशा में घूम जाता है। तो आपका जो टच पैड होता है इसे हम अधिकतर लैपटॉप के अंदर यूज़ में लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लैपटॉप के अंदर माउस का प्रयोग नहीं कर सकते, हम माउस का, हम यूएसबी माध्यम के द्वारा हम लैपटॉप के अंदर हम माउस का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप के अंदर माउस की जगह हम टच पैड का प्रयोग करते हैं, जो कि एक प्रकार का आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है। अब उसके बाद आता है आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है ये भी आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, जिसे हम अधिकतर वीडियो गेम्स, हाई ग्राफिक्स के वीडियो गेम्स खेलने के लिए यूज़ में लिया जाता है। और यह जो उपकरण है ये बच्चों के अंदर काफ़ी अधिक फेमस है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। ये जो आपका जॉयस्टिक होता है, जॉयस्टिक एक आपके पैन की तरह या गाड़ी के गियर की तरह होता है, ये इस प्रकार से होता है। इसको हम, जैसे आपका ये जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक का गियर, इसको हम जिस दिशा में घुमाएंगे आपका अंदर जो भी ऑब्जेक्ट, कंप्यूटर के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट भी उसी दिशा में घूमता है। उसको हम जिस दिशा में घुमाएंगे उसी दिशा में आपका ऑब्जेक्ट भी घूमेगा। और आपका जो जॉयस्टिक होता है, उस जॉयस्टिक के अंदर आपके ऊपर की तरफ देखेंगे आप कि काफ़ी सारे बटन्स होते हैं। इन बटनों का प्रयोग करके हम ऑब्जेक्ट से कोई भी नई क्रिया करा सकते हैं। मतलब जैसे आपका जॉयस्टिक है, इसको हम गेम खेलने के लिए प्रयोग में लेते हैं, तो आपका जैसे कोई अंदर कोई खिलाड़ी होता है, तो उस खिलाड़ी को अगर बैठना हो, उसको बंदूक चलाना हो, उसको जंप करवाना हो या उसको इधर उधर घुमाना हो, तो उसके लिए हम जॉयस्टिक का ही प्रयोग करते हैं। तो जॉयस्टिक क्या हुआ, जॉयस्टिक एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस होता है, जिसको हम अधिकतर गेम्स खेलने के लिए यूज़ में लेते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे डिजिटाइज़र के बारे में। डिजिटाइज़र जो होता है ये भी एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस है, इसे हम अधिकतर आजकल हम इसको ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी इसको यूज़ में लेते हैं। आपने देखा होगा कि कई ऐसी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जिसमें टीचर जो होता है प्रदर्शित ही नहीं होता है, आपके सामने सिर्फ एक पेज दिखाई देता है और टीचर उस पर लिखता रहता है और उसकी आवाज़ आती रहती है और जो मैटर लिखता है वो आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है, तो उसके लिए भी हम डिजिटाइज़र का प्रयोग करते हैं। डिजिटाइज़र जो होता है, डिजिटाइज़र में आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक टैबलेट जैसा होता है और एक पैन होता है। अब इस पैन को आप, इस डिजिटाइज़र के ये जो सरफेस दिख रहा है इसके अंदर हम जहाँ जहाँ पर घुमाते हैं या जो भी चित्र हम इसमें बनाते हैं वही चित्र आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाता है। ये जो डिजिटाइज़र होता है ये आपकी एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ये जो डिजिटाइज़र होता है इसको भी हम हाई ग्राफिक्स पिक्चर बनाने के लिए कंप्यूटर के अंदर इसी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक पैन होता है जिसके माध्यम से हम कोई भी चित्र बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका वेब कैमरा। वेब कैमरा भी एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस है, इसे हम अधिकतर ऑनलाइन के अंदर यूज़ में लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी जैसे हम ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देते हैं, तो उस ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के अंदर भी आप जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपका जो मॉनिटर होता है उस मॉनिटर के ऊपर एक कैमरा लगाया जाता है, वो जो कैमरा होता है वो आपका वेब कैमरा ही होता है। लेकिन जो वेब कैमरा होता है उसे हम अधिकतर सीपीयू से जोड़ के ही यूज़ में लेते हैं। इसे हम हमेशा सीपीयू से जोड़ के इसलिए यूज़ में लेते हैं क्योंकि जो आपका जो वेब कैमरा होता है इस वेब कैमरे की खुद की कोई मेमोरी नहीं होती है।
इसमें हम जो भी फोटोज खींचते हैं या जो भी वीडियो बनाते हैं वो सब सीधे आपके कंप्यूटर में ही स्टोर होते हैं। इसकी पिक्चर क्वालिटी जो होती है डिजिटल कैमरे से काफ़ी कम होती है, लेकिन इसकी कीमत डिजिटल कैमरे से काफ़ी कम होती है। इसलिए हम इसे ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन चैटिंग के अंदर हम वेब कैमरे का ही प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद आता है आपका माइक्रोफोन और माइक। और माइक्रोफोन और जो माइक होता है ये भी एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस ही होता है, जिसमें हम जो भी ध्वनि बोलते हैं या हम जो भी बोलते हैं उसको वो आपके डिजिटल ऑडियो में कन्वर्ट करके, आपके कंप्यूटर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है। तो आपका जो माइक्रोफोन है या माइक है ये भी एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस होता है, जो कि हमारी जो आवाज़ होती है उसे डिजिटल ऑडियो में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर में यूज़ में लेने लायक बनाता है। तो इसके बाद आता है आपका वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के अंतर्गत हम जो भी हम बोलते हैं उसे हम कंप्यूटर के अंदर टाइप कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारे समय की काफ़ी बचत होती है। मतलब ये हुआ कि हम अपने आवाज़ में जो भी बोलते हैं वही वही मैटर आपके कंप्यूटर में दिखाई देता है, वही मैटर आपके कंप्यूटर में लिख जाता है। ठीक है, इसे पहले हम बहुत कम यूज़ में लेते थे क्योंकि इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन आजकल हम इसे काफ़ी अधिक यूज़ में लेते हैं। जैसे आपका गूगल असिस्टेंट और अमेजोन एलेक्सा नाम के कई ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। इसके अंतर्गत हम जो भी मैटर लिखते हैं, बोलते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है इसे पहले हम काफ़ी यूज़ में नहीं लेते थे। अब इसको यूज़ में लेने के लिए, ये आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, तो इसको यूज़ में लेने के लिए सबसे पहले हमें जिस कमांड को यूज़ में लेना है हमें अपनी आवाज़ के अंदर उस कमांड को बोल के कंप्यूटर में ऐड करना पड़ता है। और उसके बाद जब भी हम उस कमांड को यूज़ में लेते हैं हम अपनी आवाज़ में उसको बोलते हैं, और हम जो अपनी आवाज़ में बोलेंगे और पहली आवाज़ में जो हमने इसको स्टोर किया था उन दोनों को क्या करते हैं, वो मैच करता है। मैच करने पर अगर दोनों की आवाज़ मैच हो जाती है तो वो प्रोग्राम चालू हो जाता है, और अगर कोई मैच नहीं होता है तो मिसमैच एरर आ जाती है। आपका जो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो है इसको हम अधिकतर यूज़ में इसलिए नहीं लेते थे पहले, क्योंकि कई बार जैसे हम जो बोलते हैं हमारे बोलते वक्त अगर पीछे बैक साइड में कोई आवाज़ आ रही हो, ट्रैफिक की आवाज़ आ रही हो, पंखे की आवाज़ आ रही हो या बैकग्राउंड आवाज़ आ रही हो, और हमने जो कंप्यूटर में जो कमांड जब यूज़ में लिया था स्टोर किया था तो उस टाइम आवाज़ दूसरी हो जाती है और हम जब बोलते हैं तो आवाज़ दूसरी हो जाती है, तो वो मैच नहीं हो पाती है। या फिर हम कहें कि अगर हम कभी बोलते हैं और हमारी आवाज़ अगर चेंज हो जाती है, मतलब अगर हमें कोई वायरल फीवर या कोई खांसी वासी हो जाती है तो हमारी आवाज़ में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, तो पहले की आवाज़ में और अभी की आवाज़ में फ़र्क आ जाता है, तो इस वजह से भी काफ़ी बार कमांड नहीं चल पाते हैं। और कंप्यूटर के अंदर जो वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है इसको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर हम कई जो वर्ड्स बोलते हैं वो उन वर्ड्स का प्रनाउंस तो एक जैसा होता है लेकिन उनकी जो स्पेलिंग होती है वो अलग अलग होती है, तो उस केस में भी हमको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो होता है यह एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने काफ़ी सारे आपके इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और
कृपया करके आप मेरे जो चैनल है इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें, ताकि हम आगे से आगे आपको नए नए वीडियोस बना के आपको नेट पे अपलोड करें। और कृपया करके आप मेरा यूट्यूब चैनल MCIT अजमेर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।